वेलकम टू माय चैनल माय ड्रीमी गार्डन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ऑरेंज पील्स का जर्मिनेशन कैसे करते हैं। इसके लिए मैं पहले इस ऑरेंज के छिलके को निकाल लूंगा। अब इसके अंदर से बीज को निकालूंगा। इस संतरे में बीज थोड़ा कम लग रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब इस निकाले हुए बीजों को पानी से धो लूंगा। इसके बाद इसका जो ऊपरी का भाग है यानी के जो छिलका है इसको भी हम निकाल लेंगे। इससे इसका जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है वो जल्दी होगा और अच्छी तरह से होगा। तो चलिए अगले प्रोसेस के लिए हमारा ये बीज तैयार है। अब हम एक टिश्यू पेपर लेंगे। टिश्यू पेपर के और इस जो एयर टाइट कंटेनर है उसमें अच्छी तरह से बिछा लेंगे। अब हम इस कंटेनर में जो बीज है उसको डाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर। अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। अब हम इस टिश्यू पेपर के जो बचा हुआ हिस्सा था उसको ऊपर बिछा देंगे। अब ऊपर से और थोड़ा पानी डाल देंगे। इसके बाद इसका जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से बंद कर देंगे। अब इसको फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रखने के बाद आप बीच बीच में दो तीन दिन के अंदर अंदर चेक कर लेना उसका मॉइस्चर ठीक है या नहीं। अगर पानी कम दिखाई दे तो थोड़ा पानी डाल देना। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया जर्मिनेट हुआ है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बीज ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, ये बीज थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि उस संतरे में बीज थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि और एक संतरे लिए और उसके थोड़े बीज इसमें डाल दिए। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कुछ कुछ बीज से छूट रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं कुछ दिन ज़्यादा तक बाहर था तो इसीलिए इसको निकालने में ज़्यादा वक्त लग गया। आप 30 दिन के बाद इसको निकाल सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, कुछ कुछ तो ठीक है। ये देखिए बढ़िया हुआ है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।